देखिए 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 देखिए, उफ। नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, एनिमल से, रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और इसी मौसम में आए दिन अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती है। कोई भात का जो हंडी होता है, हम लोग जो अनाज खाते हैं, चावल जो हम लोग खाते हैं पकाकर, वो हंडी में चावल के साथ कहीं पर सांप घुसा हुआ, कौन सा सांप है कौन सा नहीं ये तो मालूम है नहीं, लेकिन ऐसे में खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है। तो अपना नजर जमाए रखें, क्योंकि दोस्तों ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी खतरा आ सकता है। चलिए दिखाते हैं सांप कौन सा है कौन सा नहीं, लेते हैं 2-4-5-10 मिनट का वक्त। आ जाइए आंटी, कहाँ है? कहाँ सांप घुस गया? खाना निकालने जा रहे थे। अच्छा, तो देखे कुछ ही नजर, डंडा लेके खड़ा है, कहीं निकालना है। देखिए ये डंडा लेकर जो है आंटी खड़ा है, और यहीं पर कहीं पर सांप नजर आ चुका है, कौन सा सांप है कौन सा नहीं, वो हरिया के अंदर खाना परोसने जा रहे थे, खाना निकालने जा रहे थे। और आंटी क्या की है देखिए, बहुत बुद्धिमानी वाला काम, सांप जैसे ही इसके अंदर घुसा है, प्लेट खुला हुआ था और डंडा से क्या किया, झाप दिए हैं। चलिए डंडा से झाप दिया, कौन सा सांप है कौन सा नहीं। देखिए लग रहा खाना परोसने जा रहा था, अपने लिए परोस रहे थे खाना? नहीं नहीं, बच्चे के लिए। अच्छा, इतना छोटा थाली में हमको संदेह हुआ, छोटा थाली में बच्चे के लिए परोसता होगा, और इसके अंदर सांप है तो? हाँ हाँ हाँ। सांप है ना? हाँ। अब कैसे देखिए इसमें सांप घुस रही है, पहले बताइए। आधा प्लेट झपा हुआ था, हाँ, तो जैसे प्लेट हटाने जाएंगे तो वैसे ही कुछ ही नजर आए, तो डंडा लाकर झाप दिए उसको। देखिए ये फॉल्स वीडियो बन रहा है, ये वीडियो को हम सांप घुसा कर बना रहे हैं। देखिए भात के हंडी में सांप अपने आप अभी घुस जा रहा है, और हमारे इधर इतना ज्यादा तादाद में जंगल है, और जंगल में सांप तो रहेगा ही, क्योंकि दोस्तों गर्मी इतना ज्यादा दे रहा है, और हमारे इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा दे रहा है, इसी में सांप तो कहीं से ना कहीं से दस्तक देगा ही। चलिए पहले सांप को निकालते हैं, कौन सा सांप है कौन सा नहीं। आवाज सुनाइए थोड़ा सा सामने। देखिए 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 देखिए, उफ। इसी को हम लोग नाग, इसी को हम लोग गेहूं, इसी को खरीस, ये स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम लोग नाग, जिसे हम लोग गेहूं, जिसे हम लोग खरीस के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सांप बहुत ज्यादा जहरीला होता है, किसी इंसान मनुष्य को अगर डस ले काट ले तो उसका मरना निश्चित हो जाता है। ये भात तो और खाइएगा नहीं आप लोग? नहीं। कभी भी अगर आपके घर में ऐसा सांप नजर आ जाए, हमारे घर में ऐसा सांप नजर आ जाए, तो उसे मारिए मत, क्योंकि सांप हमारा पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा। तो इसे हम लोग इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग, बंगला में गोकुरो, गेहूं खरीस के नाम से जानते हैं। हालांकि इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम को डेथ कर देता है काटने के बाद। तो कभी भी अगर आपको सांप काट ले, हमें सांप काट ले, कहां जाना है? सरकारी सदर अस्पताल की, और कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, और हीटर के सामने ही ये जो आंटी यहाँ पर खाना बनाकर रखी थी, ये भात रखी थी, और इसी में सांप जो है, सांप महाराज, नाग महाराज दस्तक दे चुका है। गर्मी हमारे, देखिए क्या हो रहा है, ये गर्मी को सह नहीं पा रहा, इसी में सांप इधर उधर आपके घर में, हमारे घर में प्रवेश कर जा रहे हैं। थोड़ा सा ये हंडी को ले लीजिए आप तो बेहतर होगा। तो कभी भी ऐसा सांप अगर आपको नजर आ जाए, हमें नजर आ जाए, तो कहाँ जाना है? अपने लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाइए, या फिर हमारे जैसा आपके शहर में कोई ना कोई स्नेक सेवर जरूर होंगे, उनको आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपके पास आके सांप को पकड़कर रेस्क्यू कर लेके चले जाएंगे। तो इसे मारना ही एक हल नहीं है, क्योंकि सांप जितने भी होते हैं वो हमारे पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है,
सांप बचाइए पर्यावरण बचा रहेगा, ये जान के रखिएगा। सांप अगर आप मार देते हैं तो चूहे का संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण धान गेहूं ये जो भात है, भात के लिए आप तरस जाइएगा, रोटी के लिए आप तरस जाइएगा। तो ऐसा ना करें, सांप को मारिए मत। सांप के नाम से लोगों के अंदर डर भय आतंक वो हम जानते हैं। थोड़ा सा सामने वीडियो को देखकर कोई कॉपी नहीं, कोई नकल नहीं, क्योंकि कॉपी नकल के चक्कर में आए दिन अक्सर सांप लोग मारे जा रहे हैं। सांप नहीं, यही एक ऐसा सांप है जो अक्सर मारा जाता है, क्योंकि इसे मरना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं, पीछे की ओर हटना पसंद नहीं। और बहुत कोई कह रहे हैं आप जूता पहनकर वीडियो नहीं बना रहे। जी हाँ, नहीं बना रहे, क्योंकि अपना अपना एक दिक्कत हो सकता है। पैर में मेरे लगा हुआ है, कांच से लग गया था, इसी में हम जूता नहीं पहन पा रहे हैं, चप्पल भी नहीं पहन पा रहे, बहुत कष्ट से पहन रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, चलिए मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चोटिल होने के कारण जूता नहीं पहन पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हम लोग इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग गेहूं, बंगला में गोखुरो खरीस के नाम से जानते हैं, और इसे नाजा साइंस नाम दिया हुआ है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, जो काटने के बाद नर्वस सिस्टम डेथ। तो ऐसे में आपको जाना है सरकारी सदर अस्पताल की ओर। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में ना आज तक किसी का जान बचा है, और आगे ना ही बच पाएगा, ये भी जान के रखिएगा। थोड़ा सा सामने इसके हुड को लीजिए, क्यों इसे स्पेक्टिकल कहा जाता है, थोड़ा सा दिखाइए लोगों को। इसी कारण इसे स्पेक्टिकल कहा जाता है। इसका पीछे का जो हुड देख रहे हैं, इसमें भी मार्क बना हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग स्पेक्टिकल, इसे हम लोग नाग, इसे हम लोग वासुदेव नाग, कहीं कहीं इसे फिडार खरीस के नाम से भी जाना जाता है। और ये यही एक ऐसा सांप है जो 80% फॉल्स बाइट करता है। किसी इंसान मनुष्य को अगर काटता भी है तो उसके अंदर जहर को इंजेक्ट नहीं करता है, लेकिन कभी भी अगर आपको सांप काट लेता है तो क्या करता है, लोग 10-20 लोग मिलकर आपको डरा देते हैं। डराने के बाद एक दूसरे को अगर डराने लगे तो उनका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, तेज होने के कारण लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे, ये भी जानकर रखिए। तो कभी भी अगर आपको सांप काट लेता है तो लोगों के सामने से आप दूरी बना लें, क्योंकि आपका तब मौत का कारण बन जाएगा इंसान, आपका दोस्त, आपके घर के लोग। थोड़ा सा मिस्टेक, मौत से सामना, ये काम में हर एक सेकंड हर एक टाइम मौत लिखा हुआ है। सामने से थोड़ा हाथ को फिर से ले लीजिए, किस प्रकार से भात में घुसा हुआ है। ऐसा ऐसा जगह सांप घुस के रह रहा है, लोग फेक कहेंगे, फेक नहीं है, फेक मत समझिए, किसी एक के कहने पर वीडियो फेक नहीं हो जाता है सर। चलिए ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट, लाइक शेयर इस काम के लिए जरूर बनता है। तब तक के लिए आप लोगों से दुआ लेते हैं और विदा भी लेते हैं, क्योंकि एक बार थोड़ा सा ले लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल में नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारा छोटा सा प्यार भरा सलाम दीजिए।